अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट्स जो है आपके पास, ये C1 के रिलेटेड है। दिस इज C1, आर यू में से दैट ग्रेड 8, ठीक है जी। और इसके रिलेटेड ये वर्कशीट है और क्वेश्चन है आपके पास है रिलेटेड एक्सरसाइज 1A, ठीक है बेटा। ये हमारे पास बुक 3 है, ठीक है, एक्सटेंडेड, उसके रेफरेंस से हमारे पास ये आ रही है। और इसको ज़रा प्लीज़ वर्कशीट देख लें पहले, और इसको पहले ख़ुद अटेम्प्ट करें, फिर जो वीडियो है उसको प्लीज़ पॉज कर लीजिएगा। और जब पूरे अटेम्प्ट कर लें आप इसको वर्कशीट को, उसके बाद आपने वीडियो ओपन करनी है और फिर आपने अपने सारा सलूशन जो है वो चेक भी करना है और अपने मार्क्स भी लगाने हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, इसको पॉज कर लें वीडियो को। हाँ जी, उम्मीद काफ़ी आप लोगों ने बेटा क्वेश्चंस कर लिए होंगे वर्कशीट वाले। अब आप ज़रा प्लीज़ इसको टैली कीजिएगा मेरे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 105 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर, और द सेकंड पार्ट है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है बेटा। आपने करना क्या है यहाँ पर कि गिवन दैट, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपके पास आ रहा है दैट इज़ 105, ठीक है बेटा। 105 हमारे पास आ रहा है जी। उसके बाद देखें, जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, कि एरिया ऑफ स्क्वायर मींस कि आपने लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, लेंथ से, तो दैट विल बी लेंथ स्क्वायर। सो दैट लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 105। इसका बेटा आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट जब लेंगे हम तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कंप्यूटर से यूज़ कर लेंगे तो लेंथ इज इक्वल टू 10.2 मीटर। ये आपका बेटा पहला आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएं प्लीज़, दिस इज़ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जब हम बात करने हैं तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर इज़ आ एडिंग द बाउंड्री, क्या आपने जो बाउंड्री है उसको क्या कर लेना जी, ऐड कर लेना है। तो जब जो स्क्वायर होता है वो आपके पास इस तरह उसकी 4 साइड्स होंगी, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर की ऐड बाउंड्री करेंगे तो इस मतलब फार्मूला बन जाता है 4L, ठीक है जी। या इसको आप कह सकते हैं कि लेंथ प्लस लेंथ, यानी चारों साइड को हमने ऐड कर देना है। तो जब हम इसको 4 लेंथ हम पहले निकाल चुके हैं दैट इज़ 10.2, उसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, 40.8 मीटर, ठीक है बेटा। तो दिस वन इज़ योर आंसर। अब आ जाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको जरा देखिएगा। ये हमारे पास क्या कह रहा है जी, यू हैव टू फाइंड राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन द ब्रैकेट, कि ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं आपने उसको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है जी। अब इसमें कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है, 4000 या फॉल्ट आपके पास 971 को यू हैव टू कन्वर्ट इन टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है कि आपके पास डेसिमल है या डेसिमल से पहले भी और डेसिमल के बाद भी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्लियर बेटा। अब 2 का मतलब ये होगा कि हमने फर्स्ट तो लिखना है, लेकिन सेकंड लिखने से पहले, यानी कि सेकंड आपके पास ये है, उससे पहले यू हैव टू कन्वर्ट या यू हैव टू फाइंड द राउंड ऑफ के थर्ड वैल्यू को, नंबर को देखना है कि थर्ड नंबर आपके पास क्या आ रहा है। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ आपके पास ये 7 है, 7 क्योंकि आपके पास 9 में एक हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, और 10 जो है वो इसको कैरी देगा तो दैट विल बी 5, ओके। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5, और आगे हम लगा देंगे 0, लेकिन ये 50 नहीं लिखना आपने क्योंकि पूरी वैल्यू का राउंड ऑफ भी करनी है, तो आंसर विल बी 50,000, ओके। अब नेक्स्ट भी आ जाएं बेटा, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 0.004709 और 89 है, देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब आप देखिएगा जब हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे होते हैं तो जो जो लेफ़्ट वाली ज़ीरोज़ होती हैं, ठीक है बेटा, ये वाली लेफ़्ट वाली जो ज़ीरोज़ हैं ये हमारी काउंट नहीं हो रही होती। अब फोर का मतलब ये होगा कि वन टू थ्री और ये फोर, यहाँ तक हमने लिखना है। लेकिन इसको लिखने से पहले आपने नेक्स्ट को भी देखना है, अगर वैल्यू फाइव है या फाइव से ज़्यादा है तो फिर इसको हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। क्लियर बेटा? अब जब क्योंकि फाइव से ज़्यादा आपके पास वैल्यू आ रही है, एट आ रही है, तो एट में हम क्या करें, सॉरी इसमें नाइन में एक वन क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो वो टेन हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बन रहा है इसका वो बन रहा है जब के पास 0.0047 और नाइन में जब वन ऐड करेंगे तो टेन हो जाएगा, तो इसको यू टेन लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास फोर सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके पास थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपके पास क्या आ रहा है, 3748, 3748 हमारे पास आ रहा है और ये हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, देखिएगा, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, 3748 में वन लिखेंगे बेटा, सेकंड लिखना है, बट थर्ड लिखने से पहले यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फोर्थ वन, यानी अपने इसको देखने के राउंड ऑफ करते हुए, ये क्योंकि वैल्यू फाइव से ज़्यादा है तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, इसमें एक वैल्यू आपके पास इजाफी हो जाएगी, ऐड कर देंगे, तो द आंसर विल बी 375। ठीक है जी, 375, और आगे इसको आप ज़ीरो लगा देंगे, ज़ीरो इस सेंस में लगाएंगे क्योंकि हमने जो है इसको राउंड ऑफ भी करना है। अगर हम यहाँ पे ये वाली जो ज़ीरो है वो नहीं लगाते तो दैट विल बी 375 हो जाएगा, बल्कि एक्चुअल वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है बेटा, वो एक्चुअल वैल्यू आपके पास जो दी हुई है वो है 3700। ठीक हो गया, तो राउंड ऑफ का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने कन्वर्ट करना है इसको। तो फिर वही कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट के बाद आप देखें यहाँ पे ये वन हो गया, लेकिन वन में इसका मतलब हमने टू सिग्निफिकेंट में करना है, ये तो लिखना है हमने, लेकिन टू इसको लिखने से पहले हम नेक्स्ट वाले को देखेंगे कि अगर वो वैल्यू फाइव या फाइव से ज़्यादा है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगी। अब बेटा देखिए ये आपके पास फाइव से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी आंसर विल बी 0.10। ठीक है, टेन हो जाएगा, आगे ज़ीरो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब भी आपके पास ऐसे होगा कि आपने वन इसको लिखना है, लेकिन इसको लिखने से पहले आपने नेक्स्ट नंबर को भी देखना है, तो क्योंकि ये एक नाइन है, फाइव से ज़्यादा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए भी आपका जो आंसर रहेगा वो ऑलमोस्ट ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप 0.1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे 0.0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो ज़ीरो यहाँ पे जो काउंट होंगी वो हम आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो राइट वाली ज़ीरोज़ होती हैं वो काउंट होती हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया जी, ये वन सिग्निफिकेंट फिगर हो गया और ये टू हो गया। नेक्स्ट बेटा आ जाए, ये आपका कंपेरेटिवली ईजी क्वेश्चन है एज ए सेकेंड जब हम बात कर रहे हैं, कि वो क्या कह रहा है जी, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन कि ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखिएगा जो आपके पास जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट वाले जो ज़ीरोज होती हैं वो हम काउंट नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो ये वाले जो ज़ीरो होंगे यानी कि ये डिजिट हैं ये हम सारे काउंट करेंगे, तो इनफैक्ट दिस वन इज़ द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट भी आ जाए जी सेकेंड पार्ट में, फिर ये जो वैल्यू पॉइंट हैं ये तो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये सारे जो वैल्यूज़ हैं नंबर्स हैं जो राइट पे हैं वो सारे काउंट होंगे, सो दैट विल बी फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक जी, और नेक्स्ट आपके पास क्या रहा है जी, 0.603। अब फिर वही बात के जो आपके पास ये वाली वैल्यू ज़ीरो है, ये वाली ज़ीरो, ये काउंट नहीं होगी, ये सारे डिजिट काउंट करेंगे, तो दिस इज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके जी, नेक्स्ट वन इज अब फोर्थ पार्ट है, इसमें बेटा वही बात है कि जो आपके पास ये वाली ज़ीरोज़ हैं लेफ्ट वाली ज़ीरोज़ ये काउंट नहीं होंगी,
क्योंकि अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा तो फिर ये ज़ीरोज़ भी काउंट हो जाएंगे। सो दिस इज़ 1, 2, 3, 4, तो दिस वन इज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट सारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इसमें जो कोई प्रॉब्लम है वो आप मुझसे फिर डिस्कस कर लीजिएगा अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, और साथ साथ बेटा इसके जो मार्क्स हैं वो भी साथ साथ लगा दीजिएगा। ठीक है जी, और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जो है वो काइंडली लाजमी शेयर कीजिएगा नाम के साथ। थैंक यू।